गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसी रही आप लोगों की जन्माष्टमी? चलिए लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 7, ट्रांसपीरेशन फ्रॉम आवर बॉडी पार्ट. ट्रांसपीरेशन व्हेन द वाटर पेपर कम्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट वी कॉल द ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन is as according to scientists as give a quotation, transpiration is evil, it means burai, necessary evil, that because that when the roots are absorb the water and through the transpiration water remove from the aerial part of plant. To kya hua, jaise water ka absorption bhi ho raha hai lekin वाटर जो है उसको क्या कर रहा है, ट्रांसपीरेशन रिमूव भी कर रहा है, उसको उसी क्वांटिटी को कम भी कर रहा है. तो साइंटिस्ट ने इसे एक नेसेसरी इविल नाम दिया था. बट द ट्रांसपीरेशन इज नेसेसरी प्रोसेस बिकॉज देयर आर सो मेनी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंस फ्रॉम द ट्रांसपीरेशन. यानी ट्रांसपीरेशन से बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें जुड़ी हुई है. Today we discuss about the what is the significance of transpiration, and second is bleeding. What is the bleeding part of the any plant? What is the bleeding process of any plant? So let's start significance of transpiration. Ascent of sap in plants depends on transpiration. Plants have the have a process that we call the ascent of sap. What is ascent of sap? The upward transfer water and their minerals, this process is called the ascent of sap. Yani water or minerals ka upward transfer hona paudhe ke different parts mein, this process is called the ascent of sap. Or ascent of sap is most probably depend on the rate of transpiration. Why it's dependent? Because when the rate of transpiration is increased, the absorption from the root, absorption of the water and minerals from the root is increased. So the when the transpiration is rate is high, then the absorption or ascent of sap processes increase. So this is the very important for ascent of saps. Second is absorption and transpiration of minerals and water in plants occur through transpiration. सेम थिंग की जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वाटर और मिनरल्स का जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वाटर के क्या होगी, जितने भी प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें वाटर की या मिनरल्स की फूड प्रिपरेशन के लिए नीड होगी. और जब इसकी जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन की रेट बढ़ी, इनकी रेट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन कीप द लीफ टेम्परेचर लो. ट्रांसपीरेशन जो होता है वो लीफ का जो टेम्परेचर होता है उसको लो बनाए रखने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन एक्सपल्स आउट द एक्सेस वाटर. व्हेन दे रूट एब्जॉर्ब द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर देन द एंड दिस एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन प्लांट्स देन द प्लांट इज डिकेइंग. सो द प्लांट्स इन ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स होते हैं वो एक्सेस वाटर को रिमूव करने का वर्क करते हैं, क्योंकि देखिए एक रूट है उसने अब्सॉर्ब कर लिया वाटर को. अब वाटर की क्वांटिटी यदि ज्यादा है तो पौधा कैसे होने लगता है, गलने लग जाता है. तो इट मींस क्या है, उसको बाहर निकालना जरूरी होता है और इस प्रोसेस के लिए ट्रांसपीरेशन जरूरी है. नेक्स्ट इंक्रीज द शुगर क्वांटिटी इन फ्रूट्स. जैसे जैसे ट्रांसपीरेशन की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो पौधों के अंदर प्लांट्स के अंदर जो फ्रूट्स होते हैं उनमें शुगर की क्वांटिटी भी कैसे हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. शुगर की क्वांटिटी क्या होगी, उसमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ने लगती है और क्या होने लगता है, फ्रूट के अंदर शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज होने लग जाती है. सो दिस इज द मेन थिंग्स कि एसेंट ऑफ सैप डिपेंड ऑन ट्रांसपीरेशन, टेम्परेचर ऑफ लीफ depend on transpiration, absorption in water and minerals depend on and transformation is depend on transpiration, sugar increase in fruits is depend on transpiration, and transpiration expels out the excess water.
Now we talk about the next is bleeding. The coming out of sap, cut or damaged part of plant is called bleeding. It means कि पौधे का यदि प्लांट का कोई भी एक पार्ट है जैसे मान लीजिए ये कह सकते हैं कि उसका ट्विग है और इस ट्विग का ये कह सकते हैं कि हम ये वाला पार्ट मान लीजिए कट लग गया, यहाँ पर हमने कट लगा दिया या ये चीज ब्रोक डाउन ब्रेक डाउन हो गई टूट गई, तो इस इन दिस पार्ट से तो सम ऑफ द सैप इज रिमूविंग आउटसाइड ऑफ दिस पार्ट्स, सो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ब्लीडिंग, यानी कि पौधे के कुछ भाग से कट लगने के पश्चात क्या होगा, इसके अंदर वाटर बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो यहाँ प्रेजेंस है और ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स जब जो होते हैं वाटर के साथ जो डिजॉल्व है वो बाहर की तरफ मूव करने लगते हैं ड्यू टू द कट और इंजरी, सो दिस प्रोसेस कॉल्ड द ब्लीडिंग. Sap begins out from the xylem vessels because twig have so many xylem vessels present in the twig part. Yeah, or stem part. So these when the cut in these xylem vessels, the sap begin out from these xylem vessels. Sap क्या होगा? इन part में से बाहर की तरफ move करने लगता है. As we give you example, the rubber tree. In the rubber tree, we form formation of rubber from the rubber tree. So the this is the when the is sap is come out from the रबर ट्री पार्ट एंड दिस सैप इज कॉल्ड द लेटेक्स, यानी आप देखोगे रबर के जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें कट लगाया जाता है और उस तिरछे कट के द्वारा ही सैप जो होता है वो बाहर की तरफ आने लगता है और दिस सैप इज कॉल्ड द लेटेक्स एंड दिस लेटेक्स हैज द फॉर्मेशन ऑफ रबर. तो सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड ब्लीडिंग, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Thank you. Have a nice day.